हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास हेयर वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड सिक्स एक्सरसाइज फोर्थ बी व्हाट इज एक्सरसाइज मार्क्स वेदर ट्रू एंड फॉल्स जैसे हमने फोर्थ ए किया उसमें चार प्रॉपर्टी के रिलेटेड थे क्लोजर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओके एक्सेट्रा तो ये प्रॉपर्टी के बेस पर काम करती है अभी यहाँ पर हमें क्या करना है मार्क वेदर ट्रू एंड फॉल्स ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर इजिकल टू सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स अभी थर्टी सिक्स का सिक्सटी फोर से प्लस करें इजिकल टू सिक्सटी फोर का थर्टी सिक्स तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हुई कम्यूटेटिव ए प्लस बी बी प्लस एके और इसमें क्या आएगा तो फिर इसमें आएगा ट्रू तो ये ट्रू हो गई एडिशन में तो वर्क करती है वन टू फाइव इंटू एट इजिकल टू एट इंटू वन टू फाइव दोनों का आंसर सेम ही आएगा इसमें भी आएगा ट्रू सिक्स एट थ्री इंटू वन इजिकॉल टू वन इंटू सिक्स एट थ्री ऑल्सो ट्रू हंड्रेड डिवाइडेड बाई फाइव एंड फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड दोनों स्टेटमेंट अलग है फाइव में हंड्रेड नहीं होगा ओके हंड्रेड डिवाइडेड बाई फाइव तो इम्पॉसिबल है फाइव का हंड अगर हंड्रेड आएगा डिवाइजर में फाइव डिविडेंड में तो कैसे होगा और फाइव और हंड्रेड होता है लेकिन हंड्रेड इंटू फाइव नहीं होता तो ये होगा

मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सिक्स आएगा तो क्या करेंगे हम वन सिक्स वन जा सिक्स फोर एट वन प्लस डैश इजिकल टू फोर एट वन तो हम फोर एट वन में क्या प्लस करेंगे तो फोर एट वन जीरो अंडा ओके फाइव एट वन प्लस डैश इज इक्वल टू फाइव एट वन ऑल्सो जीरो नाइन इंटू एट इज इक्वल टू एट इंटू वॉट नाइन इंटू एट इजिकल टू एट इंटू नाइन फोर इंटू वाट इज इक्वल टू ज़ीरो फोर से क्या मल्टीप्लाई करें आंसर जीरो आएगा जीरो नाइन्टी इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू नाइन्टी कम्युटेटिव है सब ये दोनों एक्सरसाइज कम्यूटेटिव की है फाइव इंटू एटी सेवन इंटू ट्वेंटी इज इक्वल टू डेस इंटू एटी सेवन फाइव इंटू एटी सेवन इंटू ट्वेंटी इज इक्ल टू डेस इंटू एटी सेवन अभी जो एटी सेवन है वो हमारे पास ये वाला है क्या नहीं है ये इन दोनों का हम इंटू करें तो ट्वेंटी इंटू फाइव क्या होता है हंड्रेड तो दैट मीन्स हंड्रेड इंटू एटी सेवन ओके नेक्स्ट है वन सेवन थ्री प्लस फाइव फोर प्लस फोर सिक्स इसी कॉल टू हंड्रेड अभी जो हंड्रेड है वो किसका टोटल है तो फोर प्लस सिक्स करें तो टेन और फाइव प्लस फाइव इसका वन कैरी करें तो हंड्रेड इन दोनों का टोटल क्या हो रहा है हंड्रेड बाकी क्या बचा वन सेवन थ्री इज आंसर ओके तो ए और बी मैंने आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करके दिया है अभी थर्ड से हम नोटबुक में स्टार्ट करेंगे ओके द क्वेश्चन आर ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे जी एच स्कूल सेवेंटी एट बॉयस एंड फिफ्टी टू गर्ल्स टुक पार्ट इन वेरियस स्पोर्ट एक्टिविटी ऑन द सेम डे एस डी स्कूल ऑल्सो हेल्थ देयर एनुअल स्पोर्ट्स डे एनुअल फंक्शन हो रहा है जीएच स्कूल में जिसमें 78 बॉयज़ एंड 52 गर्ल्स पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कर रहे हैं जबकि एसडी स्कूल में एनुअल डे में 52 बॉयज़ एंड 78 गर्ल्स पार्ट ले रहे हैं ओके इन वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच स्कूल हैड मोर स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स डे अभी कौन से स्कूल में बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए जी एच स्कूल में सेवेंटी एट बॉयज़ हैं फिफ्टी टू गर्ल्स हैं एस डी स्कूल में फिफ्टी टू हैं सेवेंटी एट गर्ल्स हैं दोनों नंबर गर्ल्स फिफ्टी टू है तो यहाँ पे बॉयज़ फिफ्टी टू है यहाँ पे 78 एट बॉयज़ हैं तो 78 एट गर्ल्स हैं तो नंबर दोनों ए एंड बी के ही फॉर्म में आ रहे हैं मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ही फॉर्म में आ रहे हैं तो हम कैसे करेंगे तो हम हम यहाँ पे करेंगे एज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और हमें कितने ज़्यादा हैं मतलब एड वाले दिखाने हैं तो हम एडिशन वाली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव में अवेलेबल करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए जैसे कि ये ए है एंड बी है हम जी एच स्कूल को ले लेते हैं और ये बी और ए है वो हम एस डी स्कूल को ले लेते हैं जैसे जी एच स्कूल में सेवेंटी एट बॉयज़ हैं एंड फिफ़्टी टू गर्ल्स हैं सेवेंटी एट प्लस फिफ्टी टू इजिकॉल्ड टू यहाँ पे बी प्लस ए है तो फिफ्टी टू बॉयज एंड सेवेंटी टू गर्ल्स दोनों का आंसर सेम ही आएगा एट प्लस टू टेन वन कैरी सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन हेर ऑल्सो थर्टीन बौद्धो आंसर विल सेम तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है विच स्कूल हैड मोर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स डे तो हम लिखते हैं बौध स्कूल हैव सेम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ओके द स्कूल हैव सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट फोर्थ सेकंड वन विल बी संपत एंड जोगिंदर डिसाइडेड टू जॉग अराउंड द स्कूल प्ले ग्राउंड संपत एंड जोगिंदर स्कूल के प्ले ग्राउंड में जॉग करने का डिसाइड कर रहे हैं मतलब वॉक करने का संपत टेक्स सिक्स मिनट्स एंड जोगिंदर टेक्स एट मिनट्स टू जॉग वन कंप्लीट राउंड एक राउंड को कंप्लीट करने में संपत को सिक्स मिनट लगते हैं एंड जोगिंदर को एट मिनट ओके प्ले ग्राउंड इफ संपत इस संपत जॉग एट राउंड ऑफ द प्ले ग्राउंड एंड जोगिंदर जोग सिक्स राउंड संपत सिक्स मिनट में एट राउंड्स वॉक करता है एट राउंड मारता है और जोगिंदर एट मिनट में सिक्स राउंड मारता है वो जोग लेसर टाइम अभी यहां पे देखिए सिक्स मिनट में एट राउंड संपत कंप्लीट करता है और जोगिंदर एट मिनट में सिक्स राउंड कंप्लीट करता है और हमें फाइन करना है किसका टाइम सबसे कम है तो अभी यहाँ पे सिक्स मिनट्स में एट राउंड है तो सिक्स इंटू एट करेंगे तभी टाइम का पता चल जाएगा कितने मिनट्स हो रहे हैं तो मतलब हमें यहां पे मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी अवेलेबल करनी है मल्टीप्लाई किस में तो दोनों में नंबर सिक्स एट एट सिक्स है तो हमें क्या करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लाई में इसको पुट करेंगे देखते हैं कैसे होता है तो हमें लिखना है फाइन वो जॉब फॉर लेजर टाइम तो हमें यहाँ पे करना है टाइम इज इक्वल टू ए इंटू बी इज इक्वल टू बे बी इंटू ओके जैसे कि हम संपत्ति का टाइम पहले लेते हैं सिक्स मिनट और राउंड कितने लगाता है वो एट सिक्स इंटू एट इज इक्वल टू जोगिंदर्स टाइम्स एट इंटू सिक्स बोध द आंसर विल ऑल्सो सेम वो जोग फॉर लेसर टाइम बोथ जोग सेम टाइम दोनों का टाइम सेम हुआ फोर्टी एट मिनट्स फोर्टी एट मिनट्स ओके नाउ स्टार्ट नेक्स्ट नेक्स्ट वन विल बी रंजन फोटो एल्बम हैज टेन पेजेस विथ ट्वेल्व फोटोस ऑन ईच पेज वेयर एज संजयस एल्बम हैज़ ट्वेल्व पेजिज़ एंड टेन फोटोज ऑन ईच पेज अभी यहाँ पर रंजन के फोटो एल्बम में टेन पेज हैं टेन पेजिस हैं और ट्वेल्व फोटोज हैं ओके हर एक पेज में ट्वेल्व फोटोज हैं टोटल टेन पेज हैं हर एक पेज में ट्वेल्व फोटोज हैं जबकि संजय के एल्बम में ट्वेल्व पेजिस हैं हर एक पेज में टेन फोटोज हैं तो हम इसका भी क्या करेंगे एल्बम हैज मोर फोटोज के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई तो यहां पे भी कम्युटेटिव मल कम्युटेटिव प्रॉपर्टी एज मल्टीप्लिकेशन में हम अप्लाई करेंगे वो एल्बम मोर फोटोस तो हम करेंगे रंजन सालबम इंटू संजय सालबम मतलब मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए रंजन सालबम हम ए इंटू बी में ले लेते हैं टेन इंटू ट्वेल्व इज टू संजय सालबम हम बी इंटू ए में लेते हैं ट्वेल्व इंटू टेन ओके टेन इंटू ट्वेल्व वन हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेल्व इंटू टेन ऑल्सो वन हंड्रेड ट्वेंटी द नंबर विल सेम ओके किसमें ज़्यादा फोटो हैं तो नन अदर देन मोर फोटो सो वी से बुद्ध द एल्बम हैव सेम फोटोज ओके नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सी सिक्स राइट येस और नो इन द अप्रोपराइट बॉक्स अभी हमने जैसे पहले देखा क्लोजर प्रॉपर्टी किस में वर्क करती है कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी किस में वर्क करती हैं तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी है क्लोज़र प्रॉपर्टी मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी वो किस में वर्क करती है जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी किया तो ए प्लस बी बी प्लस ए वो भी कम्यूटेटिव जैसी है तो वो एडिशन में वर्क करेगी इसलिए हम यहाँ पे करेंगे मार्क क्लोज़र प्रॉपर्टी हमेशा एडिशन में वर्क करती है सबस्ट्रेक्शन में नहीं करती मल्टीप्लाई में करती है एंड डिवीज़न में नहीं करती ओके डिवीजन अलग हो जाता है जो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कम्यूटेटिव ए प्लस b, बी प्लस है एडिशन में ऑल्सो वर्क करती है सबसेक्शन में नहीं करती मल्टीप्लाई में करती है डिवीजन में नहीं करती ओके एसोसिएटिव ऑल्सो राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग अभी एडिटिव आइडेंटिटी है दिखने में ही नाम आता है एडिटिव आइडेंटिटी मतलब प्लस है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन में ही वर्क करेगी बाकी किसी में वर्क नहीं करेगी जबकि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी सिर्फ मल्टीप्लाई में ही वर्क करेगी बाकी किसी में सॉरी मल्टीप्लाई में वर्क करेगी बाकी किसी में नहीं करेगी तो इसमें लास्ट में सिर्फ मल्टीप्लाई में राइट आएगा बाकी सब में रहूँ एडिटिव आइडेंटिटी सिर्फ एडिशन में राइट बाकी सब में रहूँ और बाकी फर्स्ट टू थर्ड तो राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग ही ओके तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो मैंने सिक्स पॉइंट तक लिया अभी आगे का पार्ट्स में सेवन टू ट्वेल्व लूँगा ओके स्टूडेंट्स